अस्सलाम वालेकुम। नाजिया की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी सूजी का हलवा, और मैं थोड़ा अलग तरह से बनाऊंगी। तो ये मेरे पास सूजी है, मैंने इस कप से नापा है सूजी को। तो आप जिससे नापें उसका ही डबल आप चीनी ले लें, तो जितना सूजी है उसका डबल चीनी है। इसमें थोड़ा चीनी ज़्यादा डलता है, और अगर आप चाहें कम डालना तो थोड़ा सा कम डाल सकते हैं, लेकिन एक जो हलवा में लिसलिसापन और कंसिस्टेंसी आता है वो नहीं आ पाएगा अगर कम चीनी डालेंगे। तो ये तो मैंने फ्राई कर लिया, थोड़ा सा आधा चम्मच से भी कम तेल डाल के। आप यहाँ पर अपने हिसाब से फ्रूट डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट। मैंने काजू और बादाम डाला है, थोड़ा सा लेमन येलो कलर है, बहुत थोड़ा सा है, और ये पाइनएप्पल फ्लेवर है मेरे पास। और जितना मैंने सूजी लिया उसका डबल चीनी, उसका डबल मैंने पानी लिया है, और पानी को मैंने गर्म होने के लिए दे दिया है। बाकी हमें चाहिए तेल और घी, अगर आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, मैं तेल में बनाऊँगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी तेल, तेल में 2 टेबल स्पून डालूँगी, आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, और मैं आधा चम्मच घी भी डालूँगी। अब मैं डाल दूंगी ये, इसको हमें थोड़ी सी भुनाई करनी है इसकी, ज़्यादा नहीं, ब्राउन नहीं करना है इसको भून के। तो ये मैंने भुनाई कर ली है, ये मैंने बहुत मामूली कुछ 1 मिनट के आसपास भुनाई किया, उससे ज़्यादा नहीं। अब मैं डाल दूंगी पानी, गैस को मैं मीडियम कर दूंगी। वो कलर भी मैं इसी में डाल दूंगी। तो ये सूजी गल गया, अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। तो मैंने जितना सूजी लिया है उसी का डबल मैंने पानी भी लिया था, और आँच को मैंने मीडियम करके पानी डाला इसमें। अगर आप तेज़ आँच में पानी अचानक से डाल देंगे तो सारा पानी सोख लेगा और ये गलेगा भी नहीं। तो ये बिल्कुल गल चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी चीनी, और चीनी को अच्छे से हमें मिलाना है ऐसे ऐसे करके। अच्छे से ऐसे ऐसे करके आप चीनी को मिला दें, और अब मैं ड्राई फ्रूट भी डाल दूंगी इसी में, इसको अच्छे से मिला लें। आंच मेरा अभी भी मीडियम है, तो ये मिल गया है। अब मैं इसमें डालूंगी पाइनएप्पल एसेंस 2-4 बूंद, आप देख सकते हैं, उसे भी अच्छे से मिला देंगे। और मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, बहुत थोड़ा सा। तो हमें इसको चीनी गलाने तक पकाना है, बहुत ज़्यादा हमें इसे टाइट नहीं करना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होगी, कुछ इस तरह रहेगा, तो ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल सही रहेगा। तो ये आप पूड़ी वगैरह के साथ खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है, बिल्कुल अलग अंदाज में है ये। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करें, चाहे आप थोड़ा सा ट्राई करें, 1/4 कप ट्राई करें, मगर आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। और ये जो हमने ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा रोस्ट किया है, ये क्रंची क्रंची इसमें लगता है, तो आप इसे ट्राई करके ज़रूर से देखें। अब मैं इसकी गैस को ऑफ कर दूँगी, और ये बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने सर्व कर दिया है, और ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, पूड़ी वगैरह के साथ आप आराम से खा सकते हैं, मेहमान को आराम से इसे सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल अलग होता है फ्लेवर पाइनएप्पल का सफ़ेद हलवा से, जो हम लोग नॉर्मली हलवा बनाते हैं। तो इसे आप थोड़ा सा ही ट्राई करके देखें, पर ज़रूर से करके देखें। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।